हाय गाइस, तो आज हम एक ब्रेड का और आलू का इतना क्रिस्पी और इतना टेस्टी नाश्ता बनाएंगे ना, और जो कि बहुत ही इजी है। तो इसके लिए हमें लेना है सबसे पहले 2 उबले हुए आलू, जिसमें हम डालेंगे प्याज, धनिया और हरी मिर्ची। अगर आप स्पाइसी नहीं खाते तो आप मिर्ची को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा स्पाइसी मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने मिर्ची डाली है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, जैसे नमक, मिर्च, ओरिगैनो, और इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और इसका एक टिक्की जैसा बैटर तैयार कर लेंगे, ये देखिए ऐसे। और ट्रस्ट मी, ये बहुत ही सिंपल बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम इसमें एक चाइनीज़ फ्लेवर देने के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच टोमेटो केचप और 1 चम्मच शेजवान चटनी, और इसको भी अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे 2 मिनट के लिए साइड पे, ये देखो ऐसे। इतना मनपसंद नाश्ता बनता है ये, और इतना ईजी, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। अब हम ले लेंगे 4 ब्रेड और 1 बाउल में ले लेंगे थोड़ा सा पानी। हम ब्रेड को पानी में अच्छे से सोक करेंगे, जैसे हम ब्रेड कटलेट के लिए करते हैं, और इसको पानी को निकाल देंगे ऐसे, हल्के हल्के हाथ से निकालना, नहीं तो टूट जाएगी। वैसे टूटने पे भी ये अच्छे से हो जाता है, पर हम ऐसे ही रखेंगे इसे। अब हम लेंगे अपने आलू की स्टफिंग जो हमने रेडी की थी, और एक गोला गोला छोटा छोटा गोला बना के हम इसके बीच में इसे फिल करेंगे, ये देखो ऐसे। हमें इतनी ही ब्रेड फिल करनी है, हम इससे ज़्यादा करेंगे तो ये फट जाएगा, हमें इतना ही फिलिंग करना है। और इसको कटलेट की तरह, मोमोज की तरह हम इसे अच्छे से फोल्ड कर देंगे, ये देखो ऐसे। और इसका एक्सेस पानी जो है वो अच्छे से निकाल देंगे दबा दबा के, ये देखो। कटलेट तो बिल्कुल गोल होता है, लेकिन हम बना रहे हैं ब्रेड की टिक्की। तो ब्रेड की टिक्की बनाने के लिए हम इसे एक टिक्की की शेप देंगे, मतलब थोड़ा गोल से थोड़ा सा फ्लैट करेंगे हाथ से ही, पानी को निकालते हुए। और ये बहुत ही ईजी, अगर आप हल्के हाथ से करेंगे ना तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बहुत ही अच्छा बनेगा, ये देखो ऐसे। ऐसे करके इसको हर कोने से जोड़ जोड़ के हम एक टिक्की की शेप दे देंगे। और आज हम ये टिक्की ज़्यादा फ्राई भी नहीं करने वाले, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे, तो ये इतना नुकसानदायक नहीं है। मतलब क्रिस्पी नाश्ता कभी कभी बच्चों को चाहिए होता है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। मॉनसून और विंटर्स के लिए तो मतलब मज़ा ही आ जाता है नाश्ता ऐसा करने में, तो ये ज़रूर ट्राई करना। अब एक टिक्की तो हमारी रेडी हो गई, मैंने आपको दूसरी टिक्की भी बना के दिखाई है। ऐसे ही पहले हम ब्रेड को सोक करेंगे। ये ब्रेड थोड़ी सी टूट गई, बट हम इसे फेंकेंगे नहीं, इससे भी काम चल जाएगा, बिकॉज हम हल्के हाथ से इसे जोड़ देंगे, ये देखो ऐसे। पानी में जब ब्रेड सोक करते हैं तो वो हल्की सी टूट जाती है, पर वो वापस जुड़ जाती है, ये देखो ऐसे करके हमने इसकी भी टिक्की बना ली आराम से, ये देखो कितना सिंपल है ये। और इतना यमी नाश्ता मैंने आज तक नहीं खाया, और इतना इजी भी, ये देखो टिक्की बन गई हमारी। अब हम इसे रखेंगे साइड पे, आप इसे फ्रीज भी कर सकते हो 10 मिनट के लिए, ये देखो टिक्की कितनी अच्छी परफेक्ट बन गई है, रेडी हो गई। अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। फ्राई अभी नहीं करेंगे, इसके लिए तैयार करेंगे कोटिंग, एक स्लरी। तो जिसके लिए मैंने लिया है मैदा, कॉर्नफ्लोर इक्वल अमाउंट में, नमक, लाल मिर्च और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल के एक स्मूथ सी स्लरी बना लेंगे पानी मिक्स करके, ये देखो ऐसे। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, ये बहुत ही ईजी है और बहुत ही यमी बनता है। तो अगर मैं ये लगा रही हूँ, आप इसके बिना भी उसे फ्राई कर सकते हैं, बट इससे वो थोड़े और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। तो मुझे तो बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी चाहिए, इसलिए मैंने ये स्लरी बनाई है। अगर आपको नॉर्मल खाना है सैंडविच की तरह, तो आप उसे वैसे भी रख सकते हैं। ये देखो इसकी ये कंसिस्टेंसी कि हम स्लरी बना लेंगे, और ये देखो कितना इजी है इसे बनाना। बस अब हमें क्या करना है, इसमें ब्रेड टिक्की को डिप करना है, और उसे रखना है साइड में, और उसे फ्राई करना है, बस यही काम बचा है। तो ये हम करते रहेंगे, और ये देखो हमारी टिक्कीज जो है वो आ गई है। ये ना मैंने 5-10 मिनट के लिए फ्रीज कर दी थी, अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं तो ये वैसे भी टूटती नहीं है, बट फॉर अ सेफर साइड आप इसे फ्रीज कर सकते हो। अब हम इसे डिप करेंगे और इसे तलेंगे, ये देखो ऐसे कितने इजीली हो जाता है, कुछ नहीं टूटेगा इसमें, आप चिंता मत करना है, कुछ नहीं टूटेगा। पहले ना मैं भी बहुत डर रही थी कि टूट जाएगा, बट फिर कुछ नहीं हुआ इसमें, ये देखो कितने इजीली हो गया है। अब बस एक जगह पे हमने हॉट ऑयल ले रखा है, हम गरम गरम तेल में, मतलब ज़्यादा गरम भी नहीं, मीडियम हॉट ऑयल में अपनी टिक्कीज को डाल देंगे एक एक करके। थोड़ा पलटना इन्हें मुश्किल होता है, बट हाँ मैनेज कर लिया था मैंने, हो गया था आराम से, ये देखो ऐसे करके हमने 3 टिक्की डाली है। आप 2 एट अ टाइम इसको अच्छे से फ्राई कर सकते हैं, ये देखो बिल्कुल कम ऑयल है, ज़्यादा डीप फ्राई ऑयल नहीं किया है टिक्की के लिए मैंने। इस ऑयल में भी हमारी टिक्की अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी बन के रेडी हो जाएगी, मैं अभी आपको शो करूँगी। तो ये तो बनती रहेगी, इतने आप मुझे आप बताओ आपके घर में सर्दियों में कौन सा नाश्ता बनता है, पराठे, पूरी, छोले भटूरे,
या फिर ऐसे टिक्की सैंडविच वगैरह, कमेंट ज़रूर करना। मेरे घर में लोग अलग अलग नाश्ता बनता है, कभी पूरी, कभी पराठा, कभी सैंडविच, कभी फ्रूट्स, कभी टिक्की, कभी ये सब। तो ना ऐसे से बनाया करूँ मैं आपके लिए नए नए आइडियाज़ लाती रहूँगी, तो ज़रूर ट्राई करना। और ये देखो हमारी टिक्की जो है वो अच्छे से, काफ़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, बट हमें इसे करना है ब्राउन, बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी क्रिस्पी। ये देखो तो हमने इन्हें अच्छे से फ्राई भी कर लिया है, आई गेस ये हो गई हैं। ये देखो अब हमें क्या करना है, बस इन्हें निकालना है अच्छे से और इनकी करनी है प्लेटिंग। तो आपको टिक्की कैसे पसंद है? भाई मेरे को तो ना वैसे केचप के साथ पसंद है, पर कई लोग इसे खाते हैं ग्रीन चटनी के साथ, मेयोनीज के साथ, तो आप किसी के भी साथ खा सकते हो। ये बहुत ही यम्मी लग रही थी और बहुत ही क्रिस्पी बनी थी, और ज़रूर ट्राई करना इस विंटर्स में तो डेफिनेटली, क्योंकि ये सबको पसंद आने वाली है। ये देखो कितनी यम्मी लग रही है, कितनी क्रिस्पी लग रही है। अब बस इसे प्लेटिंग कर देंगे। तो ना मैंने इस पर एक चाइनीज़ फ्लेवर देने के लिए हल्का सा ओरिगैनो डाला है, आप चाट मसाला भी डाल सकते हो, नहीं तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हो क्योंकि अंदर तो स्टफिंग है ही। बस बन गई हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी टिक्की। और ये देखो मैंने रख दिया थोड़ी सी केचप, और मैंने ना आपको ये तोड़ के शो किया कितना क्रिस्पी है, और हाथ में बिल्कुल ऑयल भी नहीं आया। ये देखो बिल्कुल कम ऑयल है, और ये देखो कितनी ज़्यादा, थोड़ी गर्म थी इसलिए मैं तोड़ नहीं पा रही थी, पर बहुत ही यम्मी बनी थी। तो आप ये ज़रूर ट्राई करना, और मुझे ना इसकी पिक्चर्स भेजना इंस्टाग्राम पर, मैं मेंशन करूँगी जिसकी अच्छी लगी। और बस बन गई हमारी टिक्की, ब्रेड टिक्की। तो ज़रूर ट्राई करना ये रेसिपी और केचप के साथ खाना, और ना मुझे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।